सदरील व्यक्ति हा यूपीएतील राहणारा आहे। त्याचा अंत्यविधि आता मानुषकी समूहाच्या टीम ने केलेला आहे। आणि तो जो इसम होता तो यूपीएतील राहणारा होता, तो काम करण्यासाठी इकडे आलेला होता। आज जवाहर नगर पोलीस स्टेशन चे उप पोलीस निरीक्षक श्री वसंतरावजी शेळके साहेब यांनी जेव्हा आम्हाला माहिती दिली की त्याच्यासोबत कोणी नातेवाईक नाही आहे, तो यूपीएतील आहे, आम्ही 3 दिवसापासून ओळख पटण्यासाठी बॉडी ही घाटी रुग्णालयात ठेवली होती। तर सदरील जो इसम आहे रेल्वेच्या धडकेने जवाहरनगर पोलीस स्टेशन हद्दीमध्ये त्याचा अपघात झाला होता। त्याची एक बहीण यूपीवरून आलेली आहे, ती एका पायाने अपंग आहे, त्यांच्याकडे पैसे नसल्याने ते त्यांच्या गावी प्रयत्न नेऊ शकत नव्हते। तरी माणुसकी समूहाच्या टीमने तात्काळ येऊन आता कैलासनगर स्मशानभूमीमध्ये अंत्यविधी केलेला आहे। दुनिया में आकर कमाया को घिरे क्या मोती, मगर कफन में जेब नहीं होती वाक्य मतितर समजून माणुसकी समूहाच्या ग्रुपच्या सर्व सभासदांच्या मदत कार्यामुळे अशा कितीतरी बेवारसांच्या अंत्यविधीसाठी माणुसकी समूह काम करत आहेत। यामध्ये ज्या ज्या दानशूरांनी या अंत्यविधीसाठी मदत कार्य केले त्यांचे सर्वांचे मी धन्यवाद मानतो। समाजसेवक सुमित पंडित, घाटी रुग्णालय, औरंगाबाद। हमके पुरुष बताया रेलवे से भाई गिर गया, कट गया, आप बताइए सरकार हमके के दे देगा दो पैसा, हमके के ले आके देगा, उतना दूर से आया परेशानी में फिर जाएगा, आ पाई आदमी हम कहाँ पाएगा। उसके माता जी और कौन कोई नहीं थे क्या? माता होता है तो एकदम बूढ़ हो गया, एकदम लकड़ा से बैठक हो गया। आपको अच्छा पैर को क्या हो गया आपके? पैर विकलांग हो गया। अच्छा, आप रहने वाले कहाँ के हो? देवरिया जिला का। और इधर कितने दिन से आया था? 5-6 महीना से। इधर क्या काम करता था? ठीक है, पेंटिंग का। उसका शादी नहीं हुआ है? ना सकता। अच्छा, तो वो मर गया तो आपको इधर कैसा पता चला फिर? पता चलेगा सर कि हमारे गांव का नंबर लिया है उस बनिया साहब, फोन किया। आपको कितना दिन लगा उधर से आने के लिए? आने के लिए 7वां दिन पप्पू ने आया तो हम आई बनी 3 दिन में। आपका नाम क्या है? हमारा नाम जय। दूसरों को दुख देकर हमें कभी सुख नहीं मिला, दुखी मिलेगा। इसलिए अच्छा सोचो, अच्छे कर्म करो। खींचो खींचो रुपये वो खींचो। बैठो हो गया। हाँ वो होना फिर इधर मेरे बाप धन्यवाद। वो कट कर वो